नमस्कार। जिंदगी एक सफर कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। आज हमारे मेहमान पिछले 3 दशकों से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे थिएटर, टेलीविजन, सिनेमा, OTT प्लेटफॉर्म पर अलग अलग भाषाओं में कंटेंट बना रहे हैं। स्वागत कीजिए लेखक, निर्देशक, चैनल प्रबंधक राघवेश अस्थाना जी का। नमस्कार। नमस्कार राघवेश जी। इससे पहले कि आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें, आइए आपकी क्रिएटिव जिंदगी की एक झलक देखते हैं। राघवेश अस्थाना एक संवेदनशील कवि और लेखक, रंगमंच, फिल्म और टेलीविजन तीनों विधाओं में समान रूप से कार्य करने वाले, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा बांग्ला, गुजराती के साथ ही दक्षिण भारतीय भाषाओं का समान रूप से ज्ञान है। स्कूली शिक्षा दीक्षा वाराणसी में लेने के बाद उन्होंने BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। रंगमंच और नाटकों में रुझान स्कूल के दौरान ही हो गया था। वाराणसी में कई निर्देशकों के साथ इन्होंने अभिनय और नाट्य विधा की अन्य गतिविधियों को बारीकी से सीखा। पिता चाहते थे इंजीनियर बने, इसीलिए इनको इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए चेन्नई भेजा गया। वहां उन्होंने अपने हिंदी थिएटर ग्रुप की शुरुआत की और कई हिंदी नाटकों का मंचन भी किया। थिएटर में मशरूफियत की वजह से इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। दूरदर्शन के कई धारावाहिकों में निर्देशकीय टीम का एक प्रमुख हिस्सा भी रहे। उनमें से कुछ चर्चित धारावाहिक हैं, आफत में आफत, संघर्ष, आधारशिला वगैरह। इनमें से कई धारावाहिकों का संवाद लेखन भी इन्होंने ही किया। दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध निर्माता के बालाचंद्रन ने इनको तमिलियन टेलीविजन सीरियल में निर्देशन का मौका दिया। हिंदी भाषी होने के बावजूद कई दक्षिण भारतीय टेलीविजन चैनलों और फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। श्रीलंका में सिंगली भाषा के टेलीविजन चैनल की शुरुआत भी इन्होंने ही की। इनके द्वारा निर्देशित फीचर फिल्म द रेड कॉरिडोर जल्द ही रिलीज होने वाली है। COVID-19 की वजह से रंगमंच की गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई हैं। आने वाला समय ऑनलाइन गतिविधियों का ही है। इसके मद्देनजर जल्द ही एक रेगुलर ऑनलाइन थिएटर की शुरुआत इनकी नाट्य संस्था करने वाली है। आपको आपकी जिंदगी के इस सफर की ढेरों शुभकामनाएं। कभी धूप, कभी छांव, कभी मोड़, कभी नए रास्ते, जिंदगी एक सफर ही तो है। राघवेश जी, जीवन के इस सफर को आप कैसे बयां करेंगे? जीवन तेरे रूप अनेक, पल पल छिन छिन बदलते तेरे रूप निशे दिन, शैशव उन्मुक्त भविष्य चिंता विहीन, यौवन मदमस्त स्वयं में लयलीन, वार्धक्य अवसाद ग्रस्त अशक्त संशय युक्त लयहीन, पल पल छिन छिन बदलते तेरे रूप निशे दिन। तो जीवन तो चलायमान है और हम उम्र के जिस पड़ाव पे होते हैं उस हिसाब से उसकी गतियाँ होती हैं, तो बस जीवन चलता रहता है। बहुत खूब। और जैसा आपने कहा कि जीवन के अनेक रूप हैं, उसी तरह से जीवन से जुड़ी बातों को लोगों तक पहुंचाने के अलग अलग माध्यम, तो चाहे थिएटर हो, टेलीविज़न, सिनेमा, OTT प्लेटफॉर्म, कैसे अडेप्ट किया आपने? ये माध्यम ही हैं उस समय के देश काल परिस्थिति और सामाजिक परिवेश की एक अभिव्यक्ति इन्हीं रूप में होती है, चाहे उस समय का नाटक हों या TV के धारावाहिक हों या फिल्में हों, वो उस समय जनता की जो मानसिक सोच होती है उसी को परिलक्षित करती है। मैं इन सभी माध्यमों से गुजरा, इत्तेफाक था ये कि थिएटर से थोड़ी शुरुआत की, फिर टेलीविज़न, फिर फिल्म, के बाद अब एक OTT प्लेटफॉर्म भी ला रहा हूँ। तो लो बैंड, हाई बैंड, बीटा, ये पूरा एक यात्रा रही है। मैंने लो बैंड पर भी दूरदर्शन के लिए ही सीरियल में बतौर सह निर्देशक करियर शुरू किया था, फिर उसके बाद फिर निजी चैनलों के लिए काम करने लगा और फिल्मों के लिए। तो थोड़ा समझाइए व्यूअर्स को कि हम जब दूरदर्शन की बात करें या टेलीविज़न की, उससे OTT कैसे अलग है? देखिए, OTT में क्या है कि दो चीज़ें होती हैं,
एक तो ये है कि आप कंटेंट की स्ट्रीमिंग करते हैं, एक ये होता है कि वीडियो ऑन डिमांड। तो OTT ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसमें आप दोनों चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपका जैसे मान लीजिए एक TV चैनल है, तो उसका आपका तो फिक्स पॉइंट चार्ज फिक्स है जी। वो शुरू हो गया सुबह से, जो लगा दी गई है प्रोग्रामिंग, वो तो उसी सीरीज में जाती रहेगी जी। आप वैसे के वैसे उसकी स्ट्रीमिंग आपके OTT प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। साथ ही में आपके OTT पे दर्शकों के साथ क्या कि वो हमेशा हर चीज़ नहीं देखना चाहते हैं। पता चला कि हम बहुत थके पके हैं और अभी कुछ मैथोलॉजिकल या कॉमेडी या कुछ देखना चाहते हैं, तो हमारे पास रेगुलर टेलीविज़न में वो छूट नहीं है जी। लेकिन OTT में क्या है कि हर चीज़ है वहाँ, आपको जो पसंद है वो वीडियो को आप डिमांड कीजिए, वो आएगा। देखिए जैसे समय के अनुसार टेक्नोलॉजी बदली है, तो आपने तो बताया आपने अडेप्ट किया बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर, लेकिन व्यूअर्स की चॉइस में किस तरह का बदलाव आया है? अभी पिछले 3 दशकों में व्यूअर भी काफ़ी व्यस्त होता हो चुका है और काफ़ी एजुकेटेड हो चुका है, अपने मनोरंजन के अधिकार को पहचानता है। अच्छा। उसका यह है कि अब आप कौन होते हो हमारा मनोरंजन करने वाले? अच्छा। हम वही मनोरंजन लेंगे जो हमें चाहिए, जो भी शोध चलते रहते हैं इस क्षेत्र में, इसीलिए कि दर्शकों की मानसिकता बदल रही है, 5 साल बाद कैसी होगी उसके हिसाब से आज रिसर्च करने के और शुरू हो चुका होगा। पर कंटेंट रेगुलेशन भी आपको लगता है एक चर्चा का मुद्दा बना है, क्योंकि सुनने में कई बार ये तर्क आता है कि जब सिनेमा में हम कुछ देखते हैं तो ये एक पब्लिक स्क्रीन है, टेलीविजन पे कुछ देखते हैं फैमिली स्क्रीन है, लेकिन मोबाइल पे मैं क्या देखता हूँ ये प्राइवेट स्क्रीन है। नहीं, वहाँ पे भी पॉलिसीज आ रही हैं और मेरे ख्याल से उनका इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है, या उसमें साफ साफ वार्निंग होनी चाहिए कि किस उम्र वाले देखें क्या ना देखें। और वैसे जो भी चीज़ अगर समाज की मानसिकता को पे गलत प्रभाव डाले तो उसको बचाना नैतिक जिम्मेदारी कंटेंट प्रोवाइडर का है। अच्छा। वो कौन करता है कौन नहीं करता ये उसकी अपनी श्रद्धा और सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है। तो ये तो आपका मौजूदा रोल है जहाँ पर आप OTT चैनल के प्रबंधक रोल में हैं, लेकिन अब मैं पीछे जाना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ, बनारस उत्तर प्रदेश में आपने स्कूलिंग की, तब की यादें बताइए। पापा माइनिंग इंजीनियर थे तो जंगल पहाड़ों में नौकरी करते थे, ज़्यादा जंगल पहाड़ मध्य प्रदेश में थे, तो मेरा जन्म वही मध्य प्रदेश में सतना में हुआ। उसके बाद फिर हम लोग बनारस आ गए क्योंकि मूलतः हम लोग बनारस के ही हैं। अच्छा। तो मम्मी हम लोग सब बच्चों को लेकर, हम लोग 5 भाई बहन हैं, वहाँ पर स्थिर हो गई। फिर वहाँ से क्लास 3 से लेकर मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर तक वहीं पढ़ा, बनारस में ही रहे। हाँ, सेंट्रल हिंदी स्कूल में पढ़ा, फिर BHU में पढ़ा 1 साल, फिर मैं चेन्नई चला गया इंजीनियरिंग पढ़ने। लेकिन ये बहुत रोचक है कि आप चेन्नई तो गए इंजीनियरिंग करने, और वो इसलिए क्योंकि जैसा आपने कहा पिताजी आपके माइनिंग इंजीनियर थे और 4 भाई 1 बहन में उनका एक सपना था कि कम से कम एक तो इंजीनियर बने, और आप सबसे छोटे थे एकदम, इसीलिए मुझे मौका ही नहीं दिया गया। एक चीज़ होता है प्रकृति का जो विधान है होता वही है। क्या था, गलती से मैं लिखने लगा था 8-10 साल उम्र से ही, तो न्यूज़पेपर्स के बाल जगत वगैरह कॉलम में मेरी कविताएं छप जाती थी, तो उससे थोड़ा सा लगता था कि मैं लिख सकता हूँ, और मुझे शौक़ था पढ़ने का, और मैं जो भी सामने आता था पढ़ जाता था, भले दीदी मुझसे 14 साल बड़ी हैं, अब वो हिंदी में शोध कर रही थी निराला जी के ऊपर, मैं उनकी कविताएं भी पढ़ जाता था, लेकिन पढ़ के मैं जो सीखा सीख गया। अच्छा। और उसके बाद जब मैं वहीं पे बनारस में थोड़ा सा थिएटर से परिचय हुआ। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं चेन्नई चला गया पढ़ने। तो फिर चेन्नई जब आप पढ़ने गए इंजीनियरिंग, वहाँ पर फिर इंजीनियरिंग में आपने उतनी रुचि नहीं दिखाई, डिग्री भी कम्प्लीट नहीं हुई, और आप चले गए थिएटर की ओर, फिल्मों की ओर। अब देखिए इंजीनियर्स का दिमाग बहुत खुराफाती होता है, वो कुछ ना कुछ शोध कुछ नया करना चाहते हैं। अब वहाँ बैठा था, दोस्त बन गए थे अपने उत्तर भारतीय छात्र मित्र लोग, तो बैठे बैठे ये हुआ कि भाई हम लोग क्यों ना हिंदी का एक थिएटर ग्रुप बनाया जाए, क्योंकि वहाँ भी हिंदी वाले मद्रास में आपकी पंजाबी मारवाड़ी और अन्य क्षेत्रों से आए, पूरे दक्षिण में आप कहिए तो नाटकों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, तो वहाँ उत्तर भारतीयों के लिए या हिंदी बोलने वालों के लिए नहीं था कुछ। तो हम लोगों ने थिएटर ग्रुप बनाया दोस्तों ने मिलके। अच्छा। और फिर हम लोगों ने हिंदी प्लेस करने शुरू किए, तो उससे क्या हुआ थोड़ा सा अखबारों वगैरह में छपने लगा जी, तो टेलीविज़न सीरियल निर्माताओं की निगाह पड़ी,
तो उनको लगा कि अब बम्बई से बुलाना तो महंगा पड़ता है, पकड़ो इसको सस्ते में नहीं पड़ जाएगा, वैसे भी स्टूडेंट है, ज़्यादा पैसा ना लेगा। पर जब निगाहें पड़ने लगी तो पिताजी की भी निगाह पड़ी, उन्होंने क्या कहा? असल में क्या हुआ कि अब मेरा नाम ऐसा है राघवेश अस्थाना कि दूसरा पीस जल्दी मिलता नहीं, और उस समय खाली दूरदर्शन था और पूरा मोहल्ला दूरदर्शन हमेशा देखता रहता था। तो मेरे घर फ़ोन गया कि अरे डी डी वन पे सीरियल आ रहा है संघर्ष, अच्छा, और उसमें सहायक निर्देशक राघवेश का नाम आ रहा है। अच्छा, तो उसके बाद मैं जहाँ रहता था वहाँ पे मेरे पीपी नंबर पे भैया का फ़ोन आया जब मैं शूटिंग से वापस पहुँचा, तो उन्होंने बोला कि ये क्या, अच्छा लग रहा था काम करना, इत्तेफाक से अब संभावना बन गई तो मैं सहायक निर्देशक काम कर रहा हूँ। उन्होंने बोला अच्छा सब ठीक है, पापा आए हुए हैं, तो जब शूटिंग ख़त्म हो जाए तो आके मिल जाना। तो शूटिंग ख़त्म हुई तो मैं गया वाराणसी पापा से मिलने। अच्छा, तो पापा ने खाली एक ही चीज़ बोली कि बेटा क्या है, रचनात्मकता जो होती है उस क्षेत्र में तुम अच्छा कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी लिखी चीज़ें बचपन से छप जाती थी, तो डेफिनेटली जाओ, इंजीनियरिंग छोड़ दोगे, मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन बस ये रखना कि कुछ ऐसा मत करना कि परिवार का नाम डूबे। तो इसीलिए चाहे पर्सनल बिहेवियर हो या कंटेंट क्रिएशन हो, वहाँ पर ये चीज़ मैं पापा के वचन का ख्याल रखता हूँ। और ये जीवन में कुछ मूल्य थे जिनको आपने हमेशा अपने व्यक्तित्व में अपनाया, तो थोड़ा बताइए जब हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं उसमें व्यूअर के अनुसार कंटेंट की बात करते हैं, वहाँ पर हमने देखा कि 90 के दशक में 21वीं सदी के पहले दशक में डेली सोप की चर्चा हुई, सीरियल्स, और आपने तो दक्षिण में रहकर 500,000 सीरियल्स के एपिसोड बना दिए। आपको डेली सोप अगर बनाना है आप एक लाइन की अच्छी कहानी चुनिए, अच्छा एक लाइन में चुनिए, अच्छा, और जो आपके पात्र हों उन पे आप बहुत ज़्यादा काम कीजिए। उसके बाद क्या है कि अब जब वो पात्र आपके बन चुके हैं, ठीक है, तो वो फिर कहानी जो है आपकी वो दो पेज की कहानी कैसे 1000 एपिसोड जाती है पता नहीं चलता। कि राघवेश जी जो कंटेंट बनाते थे भले वो बनारस और मध्य प्रदेश में रहे, तो आपको लगता होगा हिंदी में बनाते हैं, हिंदी के साथ साथ जब वो दक्षिण गए तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती, इतनी सारी भारतीय भाषाएं, सिंगली श्रीलंकन भाषा। एक्चुअली श्रीलंका को का पहला जो भी धारावाहिक है डेली सो वसुधा, वो मेरा ही पूरा डिज़ाइन किया हुआ और वहाँ की टीम को ट्रेन किया हुआ सिखाया हुआ था, वो करीब 1000 एपिसोड गया था वहाँ। मतलब मेरी जो शिक्षा भूमि रही वाराणसी, तो थोड़ा संस्कृत का प्रभाव रहा, कहीं कहीं से कान में पड़ते रही चीज़ें और मुझे भाषा भी अच्छी लगती थी, तो मैं मंत्र स्त्रोत वगैरह सब रट डाला था, तो परिचय था शब्दों से, और ये चीज़ मुझे हर भाषा सीखने में काम आई। आपने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, 10-15 डायरेक्टर्स, पर मैं खास तौर पर बात करना चाहूँगा कि बालाचंद्र साहब की, जो कि भारतीय सिनेमा के बहुत प्रतिष्ठित फिल्मकार हैं और 2010 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है, उसे सम्मानित किया गया। कैसा अनुभव रहा, क्या सीखा आपने बालाचंद्र साहब से? सबसे ज़्यादा समय उन्हीं के साथ व्यतीत किया, और ये था कि मैं डायरेक्टर होने के बाद उनका असिस्टेंट बना था काम सीखने के लिए कायदे से। अब मुझे बतौर निर्देशक भी पहला ब्रेक उन्होंने ही दिया था। अच्छा, तो उनसे मैंने एक चीज़ सीखी कि जो मानवीय संवेदनाएँ और भावनाएँ हैं कैसे खेलना चाहिए, कितना खेलने पर वो मनोरंजन की सीमा में रहेगा या दर्शक को बांधा रहेगा, कितना ओवर हो जाएगा, इरिटेटिंग हो जाएगा। सबसे कठिन चीज़ जो मैंने सीखी समझी उनसे, भावनात्मक सीनों की एडिटिंग। अच्छा, अगर आपने ज़्यादा छोड़ दिया तो लैग आ गया, आपने कम काट दिया तो दर्शक अतृप्त रह गया, तो वो सब जो परमोटेशन कम्बिनेशन है उनको ऑब्जर्व करके उनके मार्गदर्शन में सीखने को मिला। तो एक फिल्मकार बनने के लिए जो लिखा है उसको भी समझना है, एडिटिंग को भी, साउंड, लाइटिंग, कैमरा, सबकी जानकारी जरूरी है। डायरेक्टर के लिए समग्र ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि क्या होता है हर चीज़ जो है ना वो आपकी फिल्म में एक चीज़ ऐड करती है। देखिए क्या लोग सोचते हैं कि शूटिंग हो गई काम ख़त्म, लेकिन शूटिंग के पहले एक अच्छी स्क्रिप्ट बहुत जरूरी होती है, एक कितनी अच्छी कहानी रहे, अगर उसकी पटकथा अच्छी नहीं है तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा। पटकथा बहुत ही अच्छी लिख दी जाए, संवादों में धार ना हो तो बोरिंग हो जाएगा। उसके बाद आपकी बन गई स्क्रिप्ट, अगर शूटिंग में अगर कैमरा एंगल्स सही नहीं लगे हैं जो कि कहानी मूड के साथ चल रही है, या जो आपका डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है उसने सीन के हिसाब से, मूड के हिसाब से लाइट्स नहीं दी हैं, अच्छा, तो सीन का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। ये दर्शक, एज ए दर्शक हम लोग खो जाते हैं पिक्चर में, हमें पता नहीं चलता है
कि कब कैमरामैन ने थोड़ा वार्म कर दिया था, कब ब्राइट कर दिया था, कब थोड़ा सा रेडिश कर दिया था, वो हमारे मूड के साथ खेल रहा होता है। तो ये सब कारीगरी है, मतलब नक्काशी की तरह करना पड़ता है। इसके बाद आता है साउंड। साउंड में क्या है कि एम्बियंस का साउंड बहुत बड़ा मायने रखता है। उसके बाद बैकग्राउंड स्कोर तो जान ही होता है। तो ये है कि ये सारी चीज़ों का और मिक्सिंग का, कलर करेक्शन का, सबका डायरेक्टर को समग्रता से ज्ञान होना चाहिए। बाकी डिपार्टमेंट वाले अपना अपना जाने तो काफ़ी है। तो राघवेश जी, जब आप बतौर डायरेक्टर अपना प्रभाव बनाने लगे थे, फिर उसके बाद आप वापस टेलीविज़न प्रोडक्शन और चैनल मैनेजमेंट से कैसे जुड़े? सामान्यतः क्या होता है कि अगर किसी परिवार में कोई मानसिक रोगी है तो लोग उस बात को दबाते हैं, छिपाते हैं और हर चीज़ का उलहना भरसना उसी को दे देते हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। मेरा करियर जब उम्र के हिसाब से पीक पे था, मुझे पिक्चर मिल गई थी, बड़ी पिक्चर हिंदी के डायरेक्शन के लिए, तभी मेरी पत्नी को स्किजोफ्रेनिया का अटैक पड़ा। स्किजोफ्रेनिया का अटैक पड़ा एंड इट वाज डिवास्टेटिंग। महीनों का हॉस्पिटलाइजेशन, सब कुछ। तो उसमें क्या है कि डायरेक्टर वहाँ पे परिवार और फिल्म दोनों नहीं संभाल सकता, क्योंकि फिल्म अपने आप में फुल टाइम काम है। अब सेट छोड़ के मैं आ नहीं सकता हूँ पत्नी को देखने। तो मैंने ये कंप्रोमाइज़ किया कि मैं ठीक है डायरेक्शन से थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं निर्माता हूँ तो मैं छुट्टी ले सकता हूँ, डायरेक्टर को बोल सकता हूँ चल 4 घंटा कर, 5 घंटे बाद मिलता हूँ, मैं व्यक्तिगत काम से जा रहा हूँ। तो उस तरीके से मैंने किसी तरीके से बैलेंस बना के अपना परिवार भी अच्छे से बचाया। मेरी वाइफ को आज देख के कोई कह नहीं सकता कोई समस्या है। बहुत बढ़िया। लोगों को लगता है कि सिज़ोफ्रेनिया जो है वो क्यूरेबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसको हैंडल किया जा सकता है प्यार से, जिम्मेदारी से। संघर्ष के दिनों में आपने कविता लिखी थी, काश में पत्थर होता, तो ये अभिव्यक्ति क्या सोच के आपने की? और मैं आग्रह करूंगा कुछ पंक्तियां सुनाएं। झटके तो बहुत लगते हैं, जीवन है तो कुछ तो कुछ तो स्टेबिलिटी तो रहेगी ना, उस नीच होता रहता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप संवेदनशील हैं तो वो चीज़ आपकी रचना में आ जाती है। काश मैं पत्थर होता, न खुशियों में हंसता न दुखों पर रोता, काश मैं पत्थर होता, रोटी की आस न होती, न भूख का एहसास होता, न जीने की होड़ होती, काश मैं पत्थर होता, न दिल होता सीने में, न दर्द का गुब्बार उठता, न अश्क ढलते पलकों से, काश मैं पत्थर होता, किसी मंदिर की मूरत में या काबे का पत्थर होता, सुना करता स्तुति गान, काश मैं पत्थर होता। बहुत खूब, बहुत खूब। कविताओं की बात चली है तो मैं अशोक चक्रधर जी का भी जिक्र करना चाहूँगा। हिंदी के सम्मानित कवि हैं और आपने उनसे मुलाकात की और ये आइडिया दिया कि मैं आपकी कविताओं को स्टेज पे ले जाऊँगा, उनका मंचन करूँगा। असल में क्या हुआ था कि एक बालचंद्र जी की ही उसके निर्माता थे, एक हम लोग एक निजी चैनल के लिए, उस समय का 97-98 की बात है, काफ़ी बड़ा टीवी सीरियल किए थे जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। उसमें क्या था, एक कवि का रोल था और ज़बरदस्त रोल था। अच्छा। तो मैं सोचा कि कहाँ मैं किसी अभिनेता को पकड़ के कविता सिखा के संघर्ष करूँगा। उससे अच्छा लगा कि मुझे अगर कोई कवि मिल जाए जो भाव प्रवण हो, अच्छा, उसी को एक्टर बना दो। तो उस समय शैल जी की उम्र थोड़ी हो गई थी, अशोक जी मुझे राइट एज में लगे, तो मैं दिल्ली आके मिला उनसे, बोला कि गुरु जी ये है और ये रोल अगर आप करना चाहें तो। तो बालचंद्र जी के नाम पर उन्होंने तुरंत सम्मान भी दिया कि उनका है तो मैं अवश्य करना चाहूँगा। तो उन्होंने वो भूमिका निभाई जो काफ़ी अच्छी थी। तो इस बीच में हम लोग के बीच में गुरु चेला टाइप संबंध हो गया। अच्छा। वो इतनी महान विभूति हैं तो मेरे अंदर भी एक छोटा मोटा कवि था, तो इसलिए मैं उनका सम्मान देने लगा, वो भी मानने लगे। तो अब देखिए, राजस्थान का आदमी खुराफाती होता है, तभी आइडियाज़ निकलते हैं। एक दिन मैंने बोला कि गुरु जी ऐसा है कि आपकी कविताओं पर मैं ड्रामा करता हूँ, थिएटर कर देता हूँ। तो हंसने लगे, बोले कविता पे थिएटर कैसे करोगे? हमले आप अनुमति दीजिए करता हूँ, लेकिन आपको सूत्रधार का रोल आप ही को करना होगा। अच्छा। तो मैंने उनकी 8 कविताओं को प्ले एक्स में ढाला, उन्हीं को सूत्रधार यूज़ किया और मंचन किया। वो शोज मेरे काफ़ी हिट रहे, इसीलिए अशोक जी भी आज तक उनका आशीर्वाद बना हुआ है। जी, बहुत खूब। और जहाँ तक आपके लोकप्रिय नाटकों की बात है तो नाम जो मुझे याद आ रहे हैं, एक तो डमरू बाजे डम डम, वो उन दिनों बहुत लोकप्रिय हुआ। उसमें वो क्या था ना कि उसमें उस्ताद और जमूरा दो करेक्टर थे। अच्छा। जिनकी यात्रा थी, तो वो क्या है कि इत्तेफाक से दोनों पहुंच जाते हैं स्वर्ग, तरह तरह के करेक्टर से मिलते हैं। अच्छा। सुशासन कैसे चलाया जाए,
उस चीज पे शोध करते हैं। ये सब तो बड़ा ही वो हिलेरियस लेकिन सटायर था मैसेज के साथ, तो काफ़ी अच्छा था। उससे मुझे फ़ायदा क्या होता था कि मैं चेन्नई में जब ये करता था तो मुझे हिंदी के आर्टिस्ट के कलाकारों का अच्छा। एक बैंक तैयार हो जाता था मेरा, जिनको मैं फिल्मों या टीवी सीरियल्स में यूज़ कर लेता था। अच्छा, एक और मुझे प्ले याद आता है, सैया वे कोतवाल। सैया वे कोतवाल तो वो वसंत सबनीस की महान रचना है, उसके तो हजारों लाखों शोज भारत में हो चुके होंगे, और बहुत ही प्यारा नाटक था और सबसे नए डायरेक्टर के लिए बड़ा आसान था, इसीलिए मैंने 21 साल के जब पहला बार थिएटर किया था तो मैंने वही स्क्रिप्ट चुनी थी। अच्छा, पर इतनी छोटी उम्र में जब आप डायरेक्टर बन गए मान लीजिए थिएटर के भी, तो कुछ चुनौतियाँ रहीं दिशा निर्देश देने में, सब कुछ पिरोने में, टीम को साथ लाने में? हाँ, तो टीम तो मैंने बताया ना कि मैंने दोस्तों में से चुन ली थी। अच्छा, और उसके बाद सबसे तो हाईलाइट ये था कि एक वहाँ पे नॉर्थ इंडियन राजस्थानी पान वाला था। अच्छा, बहुत मस्त करेक्टर। अच्छा, मोटा सा, तो मुझे लगा कि हवलदार के लिए तो ये आप्ट होगा। उसकी पान की दुकान छुड़ा के मैंने उसको एक्टर बना दिया। अभी वो फुल फ्लेज एक्टर है चेन्नई में। अच्छा, तो इसका मतलब जब भी कोई डायरेक्टर कहीं घूमने जाए, जहाँ उसको दिखे वो पात्र कोई है तो वो उसको करेक्टर तो दिखते रहते हैं, हम लोग ऑब्जर्व ये करते हैं। राघवेश जी, थिएटर की अगर बात करें, अब जब कोविड पैंडेमिक आया है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो थिएटर का भविष्य आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो ये पैंडेमिक जो है ये ऐसा नहीं कि ये रहेगा ही रहेगा, भगवान करें जल्दी जाए, लेकिन क्या है कि थिएटर को उस हिसाब से अडाप्ट करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में आदमी क्या है, सभी वीडियो ऑन डिमांड देख के व्यस्त हैं, थिएटर मिस हो जाता है क्योंकि उसके लिए फिजिकली जुटना रिहर्स करना ज़रूरी है। तो थिएटर क्या ऑनलाइन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हम लोगों ने इस पर काम भी शुरू कर दिया था काफ़ी हद तक। एक्टर्स अपने ही जहाँ हैं वहीं रहें, अच्छा वहीं से परफॉर्म करें, सब इंटीग्रेट हम लोग कर सकें, और देखने वाले को ऑनलाइन एक समष्टि में एक नाटक दिख सके। जी, ये प्रयास चल रहा है। डायरेक्टर का ही विजन हो सकता है कि अलग अलग एक्टर अपनी जगह रहें, अपनी स्पेस में, और तकनीक उनको एक साथ इंटीग्रेट कर दे, तो ऑनलाइन थिएटर के लिए भी अच्छा भविष्य हो, हम ऐसी कामना करते हैं। लेकिन आपकी फिल्म की बात करना चाहूँगा, द रेड कॉरिडोर। तो अब ये फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में है, कब उम्मीद करें कि रिलीज़ होगी, और किस तरह का विषय आप इसमें उठा रहे हैं? विषय जो है वो थोड़ा वर्ग संघर्ष वाला है, शोषित कौन है, शोषक कौन है, ये परिभाषा बड़ी कन्फ्यूज्ड है एक्चुअली। यहाँ जो दोनों पात्र हैं उनका जो कॉन्फ्रंटेशन है वो ये प्रश्न छोड़ देता है कि दोनों ही एक दूसरे को समझ के सुधर जाएं। ठीक है, और इसमें अगर हम कलाकारों की बात करें तो सुशांत हैं और साथ में विद्या सिन्हा जी। विद्या सिन्हा जी गुजर गई, वो उन्होंने किया था रोल, और धृतमान चटर्जी हैं, वो सतीत रे के प्रिय एक्टर रहे, उनकी बहुत सारी पिक्चरें की हैं हीरो। तो विद्या सिन्हा जी की अब ये एक तरह से आखिरी पिक्चर होगी, उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? ये लोग तो अनुभव के भंडार हैं, इन लोग को तो मतलब खाली यही है कि धीरे से स्क्रिप्ट हाथ में दे दो और खड़े हो जाओ, वो लोग खुद ही कर देंगे ज़्यादा। उनके साथ और धृतमान चटर्जी के साथ बहुत ही अच्छा अनुभव था। तो पीछे पलट कर जब देखते हैं आप राघवेश जी, जिंदगी के सफ़र को कैसे आप उसे आकलन करते हैं? आप 21 वर्ष के थे जब आपके पिताजी का निधन हो गया, वो चाहते थे कि आप इंजीनियर बन जाएं, आज घर में 90 वर्षीय माँ हैं, वो क्या कहती हैं? माँ प्रसन्न है, वो जो कुछ हुआ मैं जो जो भी कुछ करता रहा, हालांकि वो बीच बीच पर भाइयों के पास भी जाती हैं, लेकिन अब उनको लगने लगा कि मेरे ऊपर छोटा हूँ तो मोह ज़्यादा होगा, तो अब वो मेरे ही पास आ गए, अभी मेरे ही पास हैं तो खुश हैं। और बहुत से युवा जो कार्यक्रम देख रहे हैं, लेखक बनना चाहते हैं, निर्देशक बनना चाहते हैं, या फिर जो नई टेक्नोलॉजीज हैं जैसे OTT, इसमें आना चाहें, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए, उसके लिए यही है कि पहला चीज़ मैं शुरू करता हूँ, अगर लेखक या निर्देशक बनना चाहें, लेखक बनने के लिए क्या है कि हर आदमी के अंदर लेखक है। आप अपने के अंदर के लेखक को कितना पहचानते हैं पहले ये जान लीजिए, खुद की एनालिसिस कीजिए, खुद को समझिए कि मैं किस तरह के सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे लिख सकता हूँ, किस पे मेरी पकड़ ज़्यादा है। उस तरीके का अगर आप चाहें तो प्रेरणा लेने के लिए जो बड़े लेखक रहे उन लोग को पढ़िए, प्रेरणा लीजिए उनसे, और अपने स्क्रिप्ट लिख डालिए। और डायरेक्टर के लिए? और डायरेक्शन के लिए क्या है कि डायरेक्शन तो देखिए, जो मेरा बिलीफ है
डायरेक्शन गुरु शिष्य परंपरा वाली चीज़ है, एक ही फार्मूला है कि किसी बड़े डायरेक्टर को पकड़ लीजिए, चुपचाप शिष्यत्व भाव से सीख लीजिए काम, फिर जो राजमाज कीजिए। क्योंकि क्या है, कुछ चीज़ें हैं किताबों में सब कुछ है, ऑनलाइन सब कुछ है, इंस्टीट्यूशंस बहुत रहे हैं, लेकिन मैंने जो बालचंद्र जी वाली बात आपको बताई कि भावनाओं को आप कितना इंच काटेंगे, वो तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा ना। आप लाइटिंग सीख जाएंगे, कलर करेक्शन सीख जाएंगे, गैजेट से खेलना सीख जाएंगे, VFX सीख जाएंगे, लेकिन भावना का हैंडल करेंगे? आप हॉलीवुड की भी बड़ी पिक्चरें देखिए, जो भी सुपर हिट होंगी वहाँ कहीं कहीं भावना होगी, खाली टेक्नोलॉजी नहीं होगी। तो चलते चलते राघवेश जी, आपको लोग लेखक कहेंगे, सफल निर्देशक कहेंगे, चैनल प्रबंधक कहेंगे, लेकिन आप अपनी कविता में कहते हैं कौन हूँ मैं? ऐसा ही बात है, वो तो है कि ये कविता मैंने करीब माइकल से 28-30 साल पहले लिखी होगी, जिससे मैं आज तक उबर नहीं पाया। निज अनुसंधान में रत, मेरे अंतर्मन में एक प्रश्न उठा, उमड़ता घुमड़ता लहराता कौंधता, कौन हूँ मैं? मदारी के बंदर सा, दुनिया के इशारों पर उछलता लुढ़कता नाचता थिरकता, कौन हूँ मैं? दायित्वों के बंधन में बधा, संबंधों के बोझ को ढोता, रोता सिसकता हंसता मुस्कुराता, कौन हूँ मैं? भावनाओं की बाढ़ में उबरने की चाहत लिए, डूबता तिरता छटपटाता मचलता, कौन हूँ मैं? अनुसंधान चलता रहा, आज तक जा रहा है, निष्कर्ष बहुतेरे निकले पर प्रश्न अनुत्तरित ही रहा, कौन हूँ मैं? वाह, तो आज तक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, पर शायद जो आपने कार्य किया है इन 3 दशकों में वही आपकी पहचान है। और आज आपसे बातचीत करके बहुत आनंद आया, और कार्यक्रम का समापन मैं आप ही की लाइनों के साथ करूँगा, मेरी मदद कीजिए। राघवेश जी की लाइनें हैं, आरोह भी अवरोह भी, प्रवाह भी गतिरोध भी, राहें ही तो हैं, राहें ही तो, रुकना मत रहबर मेरे, चलते रहना संग संग रहबर मेरे, जिंदगी ही तो है। तो इस शानदार जिंदगी के सफर की आपको बहुत बहुत बधाई, और आज दूरदर्शन आकर हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।